नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डेंटा सू के बारे में। आप देख सकते हैं कि डेंटा सू को किस तरीके से हमें जो है तैयार करना है, यानी कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि डेंटा सू ली, खाद के अंदर मिक्स की और पूरे खेत के अंदर डाल दी, तो उससे जो ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं। तो डेंटा सू जो ये हमारी सुमोटोमो कंपनी का आता है प्रोडक्ट, इसके अंदर आपको क्लोथिनाडिन 50% WDG में देखने को मिल जाता है। इसे किस तरीके से तैयार करना है, कैसे कैसे इसके इसे जो है रेते के अंदर खाद के अंदर मिला करके हमें तैयार करके अपने खेत के अंदर डालना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो आप देखते हैं किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले जो करना है हमें इसे जो क्लोथिनाडिन है इसे ले लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर इसे जो अच्छी तरीके से घोल लेना है। जैसा कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, एक डिब्बे के अंदर जो है इसे हमने डाल लिया है और पानी इसके अंदर भर दिया है। अब इस डिब्बे को जो है अच्छी तरीके से हमें घोल लेना है। ये देखिए जिस तरीके से घोला जा रहा है, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरीके से घुलेगी नहीं तब तक किसान भाई अच्छी तरीके से कार्य नहीं करेगी। तो अभी हाँ अभी अच्छी तरीके से घुल जाएगा। इसके बाद जो है किसान भाई जैसे हमारे पास ये दिख रहा है, ये बालू रेत हमने ले लिया है। लगभग आपको 3 से लेकर 4 किलोग्राम जो है बालू रेत ले लेना है। और ये जो हमने घोल तैयार किया है, जो पानी तैयार किया है, इसे इसके अंदर डाल करके इसे हमें बिल्कुल आटे की तरह मंड लेना है। जिस तरीके से आटे को हम मंडते हैं आटे की तरह इसे अच्छी तरीके से मंडने के बाद तब इसे जो है खाद के अंदर हमें मिलाना है। क्योंकि किसान भाई क्या करेंगे कि इसे जो है डायरेक्ट पानी के अंदर डाल देंगे और पानी के अंदर डालने के बाद इसे जो है खाद में मिला लेते हैं, तो अच्छी तरीके से ये कार्य नहीं कर पाती है। तो इसे मिलाने का सबसे आसान तरीका ये, आप देख सकते हैं कि बालू रेत के अंदर जो हमने ये पानी डाल दिया है, अब देखिए इसे किस तरीके से मंडा जा रहा है। तो ये बहुत शानदार तरीके से जो है बालू रेत के अंदर मिक्स हो जाएगी। और जब इसका बिल्कुल मंडने के बाद ये अच्छी तरीके से इसके अंदर गूंध जाए, उसके बाद किसान जैसे हमारा ये खाद सामने आप देख रहे हैं कि यूरिया खाद है हमारा, और यूरिया खाद के अंदर जो इसे हम डालेंगे, इसके अंदर और भी खाद डाले जाएंगे, जैसे हमारी सागरिका भी इसके अंदर डालेंगे, तो सागरिका के भी बहुत सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसे गूंदने के बाद इसके अंदर अच्छी तरीके से हमें इसकी मलाई करनी है, और उसके बाद जो इसी के अंदर सागरिका सल्फर ये जो खाद है हमें ये भी इसके अंदर डालने हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से देखिए मंडा जा रहा है और ये बिल्कुल तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं किसान भाई इस तरीके से हमने जो ये पूरा मंडा था जो आटे की तरह ये जो है खाद के ऊपर डाल लिया है। और अब देखते हैं आप किस तरीके से इसे आपको इसके अंदर मिलाना है। तो बहुत हल्के हाथ से बिल्कुल यूरिया के अंदर इसकी अच्छी तरीके से कोडिंग आप करेंगे, जिस तरीके से कोडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इस तरीके से कोडिंग की जाएगी तो एक खाद के दाने दाने पर बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, और फिर नीचे जाकर जब आप इसे डालेंगे तो एक खेत के अंदर अच्छे से बैठ जाएगा। और किसान भाई उसके बाद सबसे जो ध्यान देना है कि नमी जरूर रखें। डेंटा सू का रिजल्ट आपको तभी तक मिलेगा जब तक खेत के अंदर नमी रहेगी। अगर नमी टूटी तो आप समझ सकते हैं 100% कि इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। और यदि आपने नमी बना करके रखी तो आने वाले कम से कम 3 से 4 महीने तक ये बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से कोडिंग की जा रही है, किस तरीके से इसे मिलाया जा रहा है, जिससे कि दाने दाने पर जो डेंटा सू है ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। इसके बाद जो है किसान भाई हम देख रहे हैं दिखा रहे हैं आपको कि जो हमारी ये सागरिका है, सागरिका रखी हुई है, वो सागरिका भी इसके अंदर डाली जाएगी, वो सल्फर भी किसान भाई इसके अंदर डाली जाएगी। जो सल्फर ली गई है ये इफ्को कंपनी की ली गई है, जो आप देख सकते हैं इफ्को की है, ये दानेदार वाली सल्फर, ये भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट किसान भाई यहाँ पर निकाल करके देगी। और डेंटा सू का जो डिब्बा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेंटा सू है किसान भाइयों, इसका तो रिजल्ट के बारे में आपको क्या कहूँगी। यदि आपके खेत के अंदर गिंडाल लग रही है या फिर जैसे टॉप बोरर है, तना छेदक है, इन सब में भी इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन्हें ले सकते हैं और इसका मिक्सचर तैयार करके अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सागरिका भी डाल दी गई है, और सागरिका के साथ साथ किसान भाइयों आप देख रहे हैं इसके अंदर सल्फर भी पूरी पूरी डाल दी गई, यानी 5 किलोग्राम सल्फर जो है इसके अंदर ले ली गई है। और ये पूरी जो डोज बनाई जा रही है ये 1 एकड़ खेत की डोज बनाई जा रही है। तो पहले पूरी एक डेंटा सू डाली गई है, और सल्फर की मात्रा जो यहाँ पर लगभग 6 से 6.5 किलोग्राम या फिर आप मान सकते हैं 7 किलोग्राम के आसपास तक डाल दी गई है। अब देखते हैं इसके अंदर हमें सागरिका और मिलानी है, जिससे कि किसान भाइयों जो सल्फर है ये फंगस से भी गन्ने को बचाएगी, साथ ही साथ कीटनाशक के रूप में भी कार्य करेगी, और जो हमारे खाद के रूप में तो कार्य करेगी। और जो सागरिका इसके अंदर मिलाई जा रही है इससे किसानों को अच्छी तरीके से जो है हमारे गन्ने की ग्रोथ होती रहती है, और गन्ना मोटाई भी प्राप्त करेगा और अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सागरिका भी इसके अंदर डाल दी गई है, आधा बैग पहले डाल दिया और आधा बैग ये, यानी कि लगभग 10 किलोग्राम सागरिका जो है ये हमने डाल दी है इसके अंदर। तो 1 एकड़ की खेत की जो डोज है वो किसान भाइयों एक डेंटा सू, दूसरा किसान भाइयों लगभग आपका 25 से लेकर 30 किलोग्राम यूरिया, और इसके अंदर सल्फर की मात्रा लगभग 7 किलोग्राम,
और जो सागरी का है वो किसान भाइयों लगभग लगभग 10 किलोग्राम के आसपास यदि आप डालेंगे और उसके बाद इस तरीके से अच्छी तरीके से कोडिंग करके इसे आप अपने खेत के अंदर डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इतना करने के बाद यदि हो सके तो अपने खेत के अंदर जो आप गुल चढ़वा दें, गुल चढ़वाएंगे और उसके बाद एक पानी देंगे तो ये अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो डेंटोस होती है इसका उपयोग करने के बाद आप अपने खेत के अंदर ना ही तो जुताई करवाएंगे और ना ही किसान भाइयों फिर खुदाई उदाई करवाएंगे, लेकिन तुरंत डालने के बाद आप इसकी गूल चढ़वा दीजिए और बाद में पानी दे दीजिए, ये बेस्ट रिजल्ट इसके लिए रहता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।